हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट, आज इंटरव्यू की चर्चा में मैं कैसे इंटरव्यू, हाउ टू पास इंटरव्यू, इंटरव्यू को बगैर किसी परेशानी के कैसे पास करें की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में मैं आपसे बात करता हूं। आज एक क्वेश्चन है आपके सामने जो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अक्सर जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, उनका गला सूखने लगता है और वो बार बार पानी मांगते हैं, पानी की डिमांड करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ये मैं बात करूंगा कि इंटरव्यू के दौरान बार बार पानी मांगना या बार बार किसी चीज़ की डिमांड करना, ये क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंटरव्यू लेने वाला या इंटरव्यू का पैनल आपके बारे में क्या सोचता है और ये क्या सही है या गलत है, मैं आज इसी पे बात करूंगा। जब भी आप किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हों तो निश्चित रूप से आप पूरी तैयारी के साथ जा रहे होंगे। तो अगर दो कंडीशंस ऐसी आती हैं, पहला एक चीज़ देखिए, मैंने पहले भी बताया है और आज भी मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से जो पैनल होगा वो ये समझेगा, ये जानेगा कि इंटरव्यू देते समय एक घबराहट तो होती ही होती है सबको, इसलिए आपको वहाँ पानी का ग्लास रखा हुआ होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ एक पानी का ग्लास आपको मिलता है, वहाँ रखा हुआ होता है, वो आपके लिए ही होता है। कभी कभी तो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति ये कह देता है, सर कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हो जाइए, आराम से बैठिए। हाँ, और क्वेश्चन होता है अगर फिर कोई दिक्कत आती है, इंटरव्यूअर तुरंत समझ जाता है कि आपको घबराहट हो रही है, हो सकता है आपका गला सूख रहा हो, तो तुरंत आपको वो पानी ऑफर करता है कि सर पानी आप पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल घबराइए मत। कुछ लोग इस तरह से बात कर लेते हैं। अब देखिए, उसके बाद एक बार आपने पीते, यहाँ पे आपको, यहाँ पर आपको रिलैक्स हो जाइए। एक बार आपने पानी पी लिया, चलिए ठीक है, पानी पिया, आप रिलैक्स हो गए, आप जवाब दीजिए बहुत ही आराम से। क्योंकि देखिए, आप इंटरव्यू देने गए हैं, आप किसी जेल में नहीं गए हैं, आपको कोई सजा नहीं दे सकता। आप डेफिनेटली इस बात को दिमाग में रखिए, जितना सहज होंगे आप, जितना रिलैक्स आप होंगे, उतना बेहतर जवाब दे पाएंगे। और अगर रिलैक्स आप नहीं होंगे तो शायद आप बेहतर जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मेरी बात को समझिए, बार बार पानी मांगना ये क्या बताता है, एक बार समझ में आता है, दो बार समझ में आता है, या किसी ने ऑफर किया पानी को समझ, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू आपके साथ ऐसी घटना हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स आपके लिए। इसका मतलब आपका हेल्थ कहीं ना कहीं से दिक्कत कर रहा है, आपका जो हेल्थ है वो सही नहीं है, पहली नेगेटिविटी ये चली जाती है। दूसरी बात क्या चली जाती है, आप किसी ऐसे कमी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि उस कमी को हम देखें और आपसे पूछें, इसलिए घबराहट में आपका मुंह सूख रहा है, आपका गला सूख रहा है। अगली बात, आप कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर वो वेल कॉन्फिडेंस नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ पे कोई ना कोई कमियाँ विराजमान है, आप किसी भी में चाहे जो कुछ भी हो उसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी ये एक्टिविटी आपकी, समझ लीजिए, नेगेटिविटी की तरफ इशारा करती है। आपकी गलत बात, यानी हो सकता है, अब संभावनाएं क्या बनती है, हो सकता है आप कोई कमियां छुपाना चाहते हैं, हो सकता है आपने कोई गलत डेटा आपने मेंशन किया है, हो सकता है आपने एक्सपीरियंस लेटर गलत लगाया है, हो सकता है आपने जो सर्टिफिकेट लगाया उसमें कोई सर्टिफिकेट फर्जी है, हो सकता है कि आपने जो नंबर दिया हुआ है या जिससे आपने सीनियर का नंबर दिया हुआ है, बातचीत का अक्सर वो दे देते हैं असेसमेंट में, तो वो कहीं गलत तो नहीं है। ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं और इनमें से कोई भी एक चीज़, कई जगह तो एक, चलो एक समझ में आता है कि एक तो फेक हो गया, लेकिन कई लोगों के पास ये सारे के सारे फेक मिलते हैं। बस वो जाते हैं, उनका सपना होता है कि मैं जाऊंगा और इंटरव्यू दूंगा और मुझे जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा करके आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपना ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने का खर्च, होटल का खर्च आप वेस्ट करते हैं। अगर बहुत सारा फेक चीज़ है और आप उसमें एक्सपर्ट नहीं है, मैं आपको राय दूंगा कि कुछ दिन आप इंतजार करिए, कुछ दिन अपने आप को तैयार कर लीजिए, उसके बाद जाइए। तो इंटरव्यू के दौरान बार बार पानी मांगना, एक या दो बार के अलावा बार बार पानी मांगना आपके लिए नेगेटिविटी शो करता है। जब आप एक बातचीत में, एक कम्युनिकेशन में, एक मीटिंग में जब आपकी ये प्रॉब्लम हो रही है तो कंपनी का रिक्रूटर ये सोच लेगा कि आप हमारी कंपनी को कैसे चला पाएंगे, आपको जो जिम्मेदारी हम देंगे आप उस चीज़ को कैसे पूरा कर पाएंगे। जब आप अपने आप को ही बेहतर महसूस नहीं कर पा रहे हैं, बेहतर फील नहीं कर पा रहे हैं, इस परिवेश में वो क्या करता है, कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं कि उसमें जो है उस कैंडिडेट को पुनः बोला जाता है कि थोड़ी सी और मेहनत करिए, या कोई बोलता तो नहीं है, मतलब उसको जॉब नहीं मिल पाता है, इंटरव्यू में वो पास नहीं कर पाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को विशेष रूप से आप समझिए और ध्यान रखिए कि आपको ये चीज़ नहीं करना है। आखिर क्यों, एक बार दो बार चलो समझ में आता है, मैं भी समझता हूँ, एक इंटरव्यू फोबिया होता है, एक फियर होता है, एक डर होता है,
लेकिन रिलैक्स, एक बार के लिए तो समझ में आता है, चलो ये जेन्युइन है, ये सबके साथ होता है। इवन मैंने भी कभी इंटरव्यू दिया था, पहली बार तो मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैंने पानी नहीं पिया था, मुझे जरूरत नहीं थी, मैं इजी वे में बात करके चला आया और मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो जितना आप इजी वे में बात करेंगे, इजी वे में रहेंगे, इजी टू टॉक, उतना आपके लिए बेहतर होगा। मैंने जितनी भी बात किया, देखिए मैंने कभी भी आपके एक्सपर्टीज के बारे में बात नहीं किया। ये पहला, मैं बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूँ, ये मायने रखता है इंटरव्यू पास करने के लिए और इंटरव्यू में आगे ले जाने के लिए, आपको एक बेहतर जॉब दिलाने के लिए। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ ही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपको एक अच्छी नौकरी मिले, बेहतर जॉब मिले। मैं आपको बोलूंगा गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।